अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम तनवीर अहमद मीर, टीचर एट BHSS हतमुला। डियर स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक प्रटेंड्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th फॉर एजुकेशन सब्जेक्ट, एंड द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिलीवर इज करिकुलम अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। डियर स्टूडेंट्स, करिकुलम गांधीजी स्कीम ऑफ एजुकेशन इज नोन एज द बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। इट्स करिकुलम वॉज एक्टिविटी सेंटर्ड। दिस स्कीम ऑफ एजुकेशन एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ होल मैन, द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल पावर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। Gandhiji suggested the teaching of the following subjects in his scheme of education: basic craft which may be agriculture, spinning and weaving, woodwork, cardboard work, metal work, gardening and leather work, etc., should be included in accordance with local conditions of life and society. Gandhiji asserted that education should be craft centered, and hence craft has a primary place in Gandhiji's scheme of education. Dear students, jo curriculum Mahatma Gandhi ne दिया है वो ये है कि उसकी बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन जो है उसमें उसने क्राफ्ट को इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया है, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन को इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया है, क्योंकि उसने कहा कि सारी एजुकेशन जो है वो अराउंड क्राफ्ट सेंटर्ड होना चाहिए, वो क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि और वी कैन से एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। जब एक्टिविटी सेंटर्ड है उसमें क्राफ्ट बेसिक चीज़ है, तो एग्रीकल्चरिंग उसने दिया कि बच्चों को एग्रीकल्चरिंग आनी चाहिए, उसको स्पिनिंग आनी चाहिए, उसको वेविंग आनी चाहिए, उसको वुड वर्क आना चाहिए, उसको मेटल वर्क आना चाहिए, बच्चे को गार्डनिंग आनी चाहिए, लेदर वर्क आनी चाहिए। सच सब्जेक्ट्स शुड बी इंक्लूडेड अकॉर्डेंस विद द लोकल कंडीशंस एंड लाइफ ऑफ द सोशल लोकल कंडीशंस जो वहाँ की होती है, जो किसी एरिया की होती है, किसी एरिया की जो कंडीशंस होती है उसी हिसाब से कुछ सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए, लाइक एग्रीकल्चरिंग, स्पिनिंग, वेविंग, वुड वर्क, कार्डबोर्ड, मेटल वर्क, गार्डनिंग, लेदर वर्क, ऐसे सब्जेक्ट्स हमारे करिकुलम में होने चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन या कुछ एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो अगर वो कुछ अर्न करे अपने लिए, ताकि अपनी फैमिली के लिए, ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे, वो अर्न करे, वो अर्न करना सीखेगा, वो एग्रीकल्चर उसको आएगी, उसको स्पिनिंग भी आएगी, उसको वुड वर्क भी आएगा, उसको मेटल वर्क भी, गार्डनिंग भी आएगा, ऐसी चीज़ों से उसको वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो दिन ब दिन बढ़ती है उससे ये ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके करिकुलम में है, दैट इज़ मदर टंग। गांधीजी एम्फेसाइज्ड दैट द मदर टंग इज़ टू बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द बुक्स इन द स्कूल, एज इट इज़ एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज। तो मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, क्योंकि मदर टंग से एक बच्चा जो है ये इफेक्टिव रहता है, कि ईजिली मदर टंग बच्चों को ठीक तरह से समझ आती है और बच्चा कम्युनिकेट कर सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है थ्रू मदर टंग, ईजिली एक्सप्रेस कर सकता है, अपने आइडियाज शेयर कर सकता है। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक शुड बी correlated with life situation. The various process of arithmetic should be correlated with the basic craft. Arithmetic is a very useful subject for day-to-day life.
तो अर्थमेटिक सब्जेक्ट करिकुलम में होना चाहिए, अर्थमेटिक सब्जेक्ट करिकुलम में होना चाहिए। इट शुड बी कोरिलेटेड विथ लाइफ सिचुएशन। अर्थमेटिक शुड बी कोरिलेटेड विथ बेसिक क्राफ्ट। अर्थमेटिक जो है इंसान, यानी कि इंसान को काउंटिंग आनी चाहिए, अर्थ में काउंटिंग आनी चाहिए। ये काफ़ी यूज़फुल सब्जेक्ट है डे टू डे लाइफ में, क्योंकि कोई भी काम अगर हम करेंगे, चाहे हम स्प्रिंग करेंगे, चाहे हम एग्रीकल्चरिंग करेंगे, चाहे वेविंग करेंगे, कोई भी काम अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करेंगे, अर्थमेटिक का रोल उसमें होता, डेफिनेटली होता है। तो अर्थमेटिक एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये हमारे करिकुलम में होना चाहिए, और कम से कम जो एलिमेंट्री एजुकेशन के बच्चे होते हैं वो अर्थमेटिक, उनको बेसिक अर्थमेटिक आनी चाहिए। सोशल स्टडीज, गांधीजी वांटेड दैट चिल्ड्रन शुड इन एक्वायर नॉलेज ऑफ सोशल स्टडीज इंक्लूडिंग हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स एंड करंट इवेंट्स, प्रमोटिंग इंडिविजुअल एंड सोशल वर्च्यूज। तो सोशल स्टडीज हमारे सिलेबस में होना चाहिए, हमारे करिकुलम में होना चाहिए। इसमें सोशल स्टडीज में हिस्ट्री आती है, जियोग्राफी आती है, सिविक्स आती है, करंट इवेंट्स एंड अफेयर्स आता है, जिससे एक इंडिविजुअल की सोशल वर्च्यूज जो है वो प्रमोट होती है। जनरल साइंस, जनरल साइंस इंक्लूडिंग नेचुरल स्टडी, जूलॉजी, फिजोलॉजी, हाइजीन, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड एस्ट्रोनॉमी शुड बी टॉट फॉर प्रमोटिंग इंटेलिजेंस एंड साइंटिफिक आउटलुक। डोमेस्टिक साइंस शुड बी एडेड फॉर द गर्ल्स इन द फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रेड्स। तो हमें साइंस पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को, जिसमें जूलॉजी आती है, फिजोलॉजी आती है, हाइजीन आता है, केमिस्ट्री, बॉटनी आता है, एस्ट्रोनॉमी आता है। हमें ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को जिससे उनको साइंटिफिक आउटलुक हो जाएगा। और डोमेस्टिक साइंस जो है वो गर्ल्स को हमें पढ़ाना चाहिए, डोमेस्टिक साइंस फॉर फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड में हमने अपने बच्चों को डोमेस्टिक साइंस पढ़ाना चाहिए, जिससे वो बड़े होकर अपने घरों में अपने पेरेंट्स को अपने काम में हाथ बटाए। म्यूजिक एंड ड्राइंग जो है दैट इज आल्सो शुड बी इंक्लूड इन आवर करिकुलम। दी सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड टू क्रिएट इन बॉयज एंड गर्ल्स अ रियल इंटरेस्ट इन एजुकेशन। सच म्यूजिक एंड ड्राइंग जो है, म्यूजिक एंड ड्राइंग दैट दैट क्रिएट्स इंटरेस्ट, दैट इंक्रीज द इंटरेस्ट इन द स्टडी। तो सच इसलिए हमें ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करना चाहिए, म्यूजिक और ड्राइंग इंक्लूड करना चाहिए अपने करिकुलम में, जिससे बोथ बॉयज और गर्ल्स को इंटरेस्ट बढ़ जाता है पढ़ाई में। प्लेस फॉर हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी शुड बी इंक्लूडेड एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन द स्कूल करिकुलम फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लैंग्वेज। हिंदुस्तानी और वी कैन से हिंदी शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम टू डेवलप द नेशनल लैंग्वेज। Discipline according to Mahatma Gandhi. What should be the discipline according to Mahatma Gandhi? Gandhiji advocates discipline through self-control. He emphasized voluntary discipline, self-discipline or discipline that springs from within. Self-discipline arises from a pure life of self-resistance, fearlessness, usefulness and self-sacrifice. It may be achieved through non-violence conduct of life. Gandhiji's craft-centered education encourages social discipline. So his concept of discipline was not individual, it was a concept of social discipline. He emphasized the building up of ideal citizens through education. He wanted students to be successful and responsible future citizens of the country. Number next is role of teacher. Gandhiji asserted that only right type of teacher can help in achieving the objectives of education. He should possess knowledge, skill, enthusiasm, patriotism, strong character and special training. He should be friend, philosopher and guide. A teacher should be inspired with the social attitude and ideas of Ahimsa and truth. He should be well equipped and fully alive to the objectives of life and education. A teacher must possess the virtues that he wants to inculcate in the student. He must
practice these virtues himself. A teacher should be able to establish a heart-to-heart contact with the student. He has to fashion the hearts of the student rather than the brains. This was the role of a teacher according to Mahatma Gandhi. तो डिसिप्लिन भी हमने इसमें पढ़ा, हमने इसमें करिकुलम भी पढ़ा. थैंक्स डियर स्टूडेंट.